गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 फॉर आरबीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। दिस चैप्टर नेम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। अब जो इसमें अपने ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सबसे पहली बात है कि इसका नेम पर अपने बात कर रहे हैं, तो एक तो क्या होता है कि भी केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है कि कोई भी सेम एटम या डिफरेंट एटम जो होते हैं, उन एटम में क्या है कि जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो क्या है कि उन एटम्स को क्या है कि एक तरह से क्या रखता है, होल्ड करके, बाउंड करके रखता है, ठीक है। और जब ये बॉन्ड आपस में अट्रैक्ट होते हैं, या आपने ये कहे कि अट्रैक्टिव फोर्स से क्या है कि ये अटैच होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। कि लाइक जैसे आप यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एटम्स, आयन्स, ठीक है, एसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। कि डिफरेंट टाइप की कोई भी जो स्पीसीज होती है, केमिकल स्पीसीज होती है, वो क्या है कि इस अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होती है कि होल्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो इनके बिटवीन, यानी कि जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस केमिकल बॉन्ड पर जो अपनी बात हुई आगे, वो क्या है कि कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसेल लुइस क्या है, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या है कि इस केमिकल बॉन्डिंग पर क्या है कि कुछ अपने कंक्लूजन यहाँ पर प्रेजेंट किए। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं लुइस जो है, इसका आपने लुइस स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एटम्स होता है, उस एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में क्या है कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या है कि डॉट, ठीक है, डॉट या आप क्रॉस से यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको आपने 10th में पढ़ा है इस चीज़ पर कि जैसे कोई भी वो होता है, एलिमेंट होता है, तो उस एलिमेंट का अपन सिंबल लिखते हैं, जैसे क्लोरीन लें तो इसके आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई। आउटर सेल में क्लोरीन में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से, आपको ये पता है होना चाहिए कि भाई जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपन बात करें, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 5 होती है। तो ये क्या है कि ये तो हो गया नियोन का। तो अब ये जो अपने यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है कि इसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, यानी कि ये क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या है कि लुइस के अकॉर्डिंग क्या है कि आप इस तरह से, यानी कि डॉट स्ट्रक्चर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इनमें क्या है कि भी कोई भी जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट क्या है कि अपनी क्या है कि स्टेबिलिटी के लिए, या अपनी ये बोल दें कि जो अपने नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन है, ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ्रिगेशन जैसे नियोन है, ऑर्गन है, तो इनका क्या है कि भी कम्प्लीटली फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल होते हैं। तो यहाँ पर मीन क्या है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या है कि वो गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। या वो क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस बात पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये दूसरी, एक तो ये बात होती है, दूसरी क्या है कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या है कि पीरियोडिक टेबल में क्या है कि एक लाइन से क्या हुई है, डिफरेंट, यानी कि अलग करे हुई हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई जो अपने अगर लेफ्ट साइड की बात करें, तो वहाँ पर क्या होती है, मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट का, यानी कि वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। और जो राइट साइड की बात करें, तो राइट साइड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि उनकी नेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मोर होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर रखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अपने एग्जांपल लें कि सोडियम मेटल है,
अभी आपको पता है कितने नंबर पर होती है सोडियम, 11 पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो गए। तो अब क्या है कि नियोन गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नियोन गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ये प्राप्त करने के लिए क्या करता है कि अपने जो 3s ऑर्बिटल्स हैं उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है कि ये रिलीज कर देता है, रिमूव हो जाता है, या अपन क्या कहें कि यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, अगर सोडियम मेटल जो है वो क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो क्या बन जाएगा, Na प्लस, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन 3s1 है, इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है कि इसी तरह से अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन है तो इसके आउटर सेल में क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा Cl-, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नियोन 3s2 और 3p5 है, ठीक है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो नोबल गैस है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 और np6, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके साथ क्या है कि ये इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या है कि लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है कि सिंपल सी बात मैंने आपको बताई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि इनके जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप क्या है कि डॉट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अपने यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लुईस पोस्टुलेट दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। अब ऑक्टेट मीन क्या है कि भाई स्टेबल कब होगा कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स के क्या है कि आउटर सेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो क्या है उसका ऑक्टेट है, ठीक है। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं अष्टक, ठीक है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस ऑक्टेट को गेट करने के लिए क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और ऐसे क्या है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या है कि अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप आगे, इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन दिस कैन हैपन बाय द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन thereby giving the sodium or sodium ion positive ion or Cl minus ion. The bond is formed by the sharing of a pair of electron between the atom. In the process each atom attains a stable outer octet of electrons. Like अब यहाँ पर जो अपने sodium chloride का जो मॉलिक्यूल्स है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, आप देखिए यहाँ पर कि भाई जो NaCl है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा कि भाई सोडियम है, इस सोडियम के क्या है कि भाई अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो किस तरह से, तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप इसको डॉट से ऐसे ही बना सकते हैं, क्रॉस से बना सकते हैं, ठीक है। प्लस क्लोरीन है, इस क्लोरीन के आउटर सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा कि सोडियम का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो ये क्या है कि नियोन कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा, जबकि क्लोरीन जो है वो ऑर्गेन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेट करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी यहां पर, Na+ हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो ये है, और ये 8th नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, सोडियम से आया, जो आपने अलग से आपने रिप्रेजेंट किया था क्रॉस से। और इस पर क्या आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट करता है उस पर क्या है, उतने ही उस पर माइनस चार्ज, और जो जितने डोनेट करता है उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या है कि इनके बिटवीन क्या हुआ कि ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह का जो ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड।
अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यानी कि दोनों की क्या है कि सेम पार्टिसिपेट होता है बॉन्डिंग में, तो उस कंडीशन में क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा देखो यहाँ पर तीन कंडीशन होती है, आपको ये भी एक बता देता हूँ अभी कि एक तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो शेयरिंग हो। जैसे आप क्लोरीन एटम की बात करें, क्लोरीन मॉलिक्यूल की, आप क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों क्लोरीन के जो क्लोरीन्स के जो एटम्स हैं इनके बिटवीन क्या होता है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है, जिससे क्या है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इनमें क्या है कि क्या हुआ कि एक लोन पेयर का क्या हुआ शेयरिंग हो रही है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से और सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये क्या हो गया एक लोन पेयर हो गया। तो इस लोन पेयर के रीजन से क्या होगा कि इनके बिटवीन क्या है कि एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, लेकिन ये बॉन्ड किस तरह का रहेगा कोवेलेंट। ठीक है, एक क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड के एस्ट्रा में क्या है एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तो इस तरह से होती है, लेकिन शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम से दिए जाएंगे, किसी एक एटम से क्या होगा उन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर शेयरिंग होगी। ठीक है, कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिटवीन क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर कोई भी अदर एग्जांपल ले लेते हैं जिनमें क्या है कि जैसे ओजोन है, O3 है, तो इसमें क्या है कि भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें क्या है कि अब जैसे ये दो ऑक्सीजन एटम हो गए, ये ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर, इनके 6 इलेक्ट्रॉन अपने 4 कर दिया, तो इनके बिटवीन क्या है यहाँ पर ये लोन पेयर अभी नहीं। ठीक है, तो इनके बिटवीन क्या होता है कि इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन जो थर्ड ऑक्सीजन है वो थर्ड ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ये। अब क्या है कि अगर ये इनके साथ ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ अगर एक लोन पेयर का शेयरिंग करती है आपस में, यानी कि अगर इनके कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहें, तो अगर यहाँ पर इनके बिटवीन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉनों की भी शेयरिंग होती है तो इसके क्या हो जाएंगे ऑक्टेट से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग में आता है तो इस तरह इसका क्या है कि ऑक्टेट भी कट जाएगा। तो अब क्या होता है कि इनके बिटवीन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन क्या करती है इस तरह से इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, यानी कि जो ये लोन पेयर है वो क्या है इस एटम का है। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरह से होती है। अब इस एरो से जो अपन बॉन्ड शो करते हैं तो ये बॉन्ड क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन क्या होता है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है कि किसी एक एटम के द्वारा डोनेट होते हैं। ठीक है ना, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि कोई भी एक एटम देता है। ठीक है, और उन पर क्या है कि जो अपने ये कहें कि पावर यानी कि दोनों का इफेक्ट वो क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। तो ये क्या है कि देखो तीन टाइप्स के आपको बॉन्ड बनाए, थ्री टाइप्स के, फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इस तरह से क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग इनमें पॉसिबिलिटी होती है। और ये पॉसिबल यानी कि ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, ऑक्टेट मीन यहाँ क्या है कि वो ये सपोज किया जाता है कि भाई ऑक्टेट मीन क्या है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या अपन ये बोल दें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या अपन ये बोल दें कि इनर्ट गैस, या क्या बोलें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आगे देखिए, अब जैसे आपके सामने ये सोडियम का अपने यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने बनाया है, इसके बाद जो बात आती है लुईस सिंबल। ठीक है, लुईस सिंबल क्या होता है कि यानी कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कि उनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन क्या है कि डॉट स्ट्रक्चर जो अभी मैं आपको बात कर रहा था, तो वो डॉट स्ट्रक्चर क्या है लुईस सिंबल। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंसी सेल के जो यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या है कि 8 में से क्या करेंगे आप लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसके आउटर मोस्ट सेल के क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, द इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड एंड
आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, कि इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है कि किसी भी प्रोसेस में, यानी कि बॉन्डिंग में या अपने क्या है कि अदर कोई भी जो प्रोसेस होता है उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली क्या है कि जो वैलेंसी सेल यानी कि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। अकॉर्डिंग लुई सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दीज नोटेशन आर कॉल्ड लुई सिंपल। ठीक है ना, कि जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है यानी कि नोटेशन है वो क्या है, लुईस सिंबल है। ठीक है ना, तो लुईस सिंबल में जैसे आपके सामने स्ट्रक्चर से बनी हुई है कि लिथियम इसके आउटर सेल में क्या है वन, इसमें बेरिलियम में टू थ्री फोर, ये आप इस तरह से यानी कि नियोन का भी ये क्या हो गया, ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब क्या है कि इस कंडीशन के जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि ये वाला, या आप क्या कहें कि अपने ये डॉट स्ट्रक्चर वो गेट करने के लिए एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लुईस नोटेशन है। ठीक है, इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।